प्रेजेंट जो है वो बढ़िया बनने जा रहा है और फ्यूचर उससे भी बढ़िया है। तो फ्यूचर इंडिया का क्यों बढ़िया है, तो इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में 2050 में सुपर पावर बनने जा रहा है। जिस तरीके से आज अमेरिका का नाम लिया जाता है, आने वाले टाइम में इंडिया का परचम लहराएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये होने के लिए हम खुद आज साक्षी हैं कि जिस तरीके से हमारी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद अगर बात करूं तो पॉपुलेशन के मामले में भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाइना को भी हम बीट कर देंगे और वहाँ पर भी हम अपना परचम लहराने वाले हैं। और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा सोर्स होंगे अलग अलग काम को लेकर, और उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा कंजप्शन चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए। थर्ड इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर देखने जाए तो पूरे इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। पांचवा हम स्थान यहाँ पर लेने जा रहे हैं 2030 से पहले एक्सपोर्ट के अंदर। बिगेस्ट मैन पावर अगर मैं बात करूँ तो 2025 के अंदर वो चीज़ भी हम करने जा रहे हैं। डेवलप फ्यूचर के अंदर हम होने वाले हैं एग्रीकल्चर के अंदर, फूड प्रोसेस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, एजुकेशन और हेल्थ केयर के अंदर, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने के पीछे का पर्पस ये है, जहाँ पर हम रहते हैं और जिस जगह पर हम हैं वहाँ का फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बेहतर होने जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन मार्क निकल कर ये आता है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने के बाद अब आपको फील क्या हो रहा है। आपने पास्ट भी देख लिया, आपने प्रेजेंट भी देख लिया, आपने फ्यूचर भी देख लिया, अब आपको फील क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, कुछ लोगों की सुबह की नींद थोड़ी कच्ची रह गई थी तो वो अभी पूरी कर रहे हैं। एक एक्टिविटी हम करते हैं जहाँ से ये चीज़ें जो है वो अपनी क्लियर हो जाएगी। मैं हाथ उठाकर बोलूँगा हेलो, क्या बोलूँगा? आप लोगों को एक बार क्लैप करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो, एक बार एक बार एक बार हेलो, एक ही बार एक साथ एक आवाज़ में हेलो 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 हेलो। जो सो गए थे ना वो जग गए। अब एक सिनारियो आप लोगों के बीच में यहाँ पर रख दिया गया है। बीच में मैं मस्ती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट कैटेगरी है, आप लोगों को इतना टाइम बैठना और इतना सुनना आदत नहीं है। ग्राउंड पर जाने की सबकी इच्छा रहती है और ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि मैं खुद एक टाइम पर स्टूडेंट रहा गया था तो और मुझे भी पता है कि आप लोगों की चीज़ें क्या है। लेकिन एक फैक्ट मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। इंडिया आने वाले टाइम में बेस्ट कंट्री बनने के बावजूद इंडिया का सिनारियो ये निकल कर आया है कि जितने भी लोग अपना करियर बनाना शुरू करते हैं या जितने भी लोग अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो कामयाब होते हैं, और ये सच्चाई है। तो इतना बड़ा सिनारियो निकलने के पीछे की वजह क्या है? वजह खाली यही है, प्रॉब्लम हमारा यही है कि हमें पता सब कुछ है लेकिन हमें करना कुछ नहीं है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को क्लियर करवाना चाहूँगा। कितने लोग ऐसे हैं हाथ उठा के मुझे बताना कि जिनको पता है रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, पता है? कितने लोगों को पता है कि रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए भाई बॉडी फिट करने के लिए? कितने लोगों को पता है कि भाई दूध पीना चाहिए, दूध हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है? कितने लोगों को पता है कि बाहर का फास्ट फूड खाना नहीं खाना चाहिए, पता है? अब अगला सवाल मैं करता हूं, कितने लोग ऐसे है कि रोज सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बाद देवताओं का मुहूर्त होता है, उसके बाद कुछ ऐसे भी बैठे हैं, उनको लात मारनी पड़ती है, भाई उठ जा सुबह हो गई मामू, फिर वो उठते हैं। मतलब पता सबको है कि सुबह उठना चाहिए, यस
लेकिन उठते कितने लोग हैं? कितने लोगों को पता है कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए? यस, कितने लोग करते हैं? कितने लोगों को पता है कि दूध पीना चाहिए, दूध हेल्थ के लिए अच्छा हो है? कितने लोग पीते हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको पता है बाहर का फास्ट फूड खाना नहीं खाना चाहिए, फिर भी कितने लोग खाते हैं? क्योंकि पानी पूरी के बगैर चलता नहीं है भाई। यहां पर क्या फेमस है यहां का? दाल पकवान के बगैर चलता नहीं है भाई, वो तो ये हफ्ते में रोज चाहिए। मैगी दो मिनट की मैगी सबके वहां होगी, वो तो कंपलसरी चाहिए। मेरा कहने का पर्पस खाली इतना ही है, हमें पता सब कुछ है, हमें बताया सब कुछ गया है। हमारे यहाँ प्रिंसिपल है, टीचर्स है, हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है और बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, क्योंकि घर पर हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारा परिवार होता है, वो भी हमें टाइम पर सारी चीज़ें बताता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पता सब कुछ होने के बाद हम करते नहीं। तो आज के बाद एक स्लोगन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, वो स्लोगन आप लोगों को समझना पड़ेगा। और वो स्लोगन क्या बताता है मैं बताना चाहूँगा। आज के बाद मेरे साथ आपको बोलना है, आज के बाद या तो मैं जिंदगी में सफल होऊंगा, या तो रोज बहाने बनाऊंगा। समझ में आया? क्योंकि कामयाब हुए लोग कभी भी बहाने बनाते नहीं हैं और बहाने बनाने वाले कभी कामयाब होते नहीं हैं। क्योंकि आज अगर आप लोग सफल है या नहीं है, आपकी घर की परिस्थिति क्या है या क्या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, उनकी स्ट्रगल बहुत खतरनाक रही है और हर इंसान ने वो स्ट्रगल किया हुआ है, अपने पेरेंट्स को सुख दुख में साथ दिया हुआ है। और आज ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आज अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना, तो यहाँ पर आने के पीछे आपके माँ बाप ने बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, आपके परिवार ने बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया हुआ है, उसके बाद कुछ बनने के लिए आपको यहाँ भेजा है। अब यहाँ आने के बाद आप करते क्या हो वो आपको खुद को बताएं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आजू बाजू चेहरे को देख लेना, पता चल जाएगा कि बाजू वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है। तो ये चीज बताने के पीछे का पर्पस ये है कि हम सब लोग आना चाहते हैं 95 में। हेलो क्लैप, हेलो, सब लोग आना चाहते हैं 95 में? कुछ लोग अभी भी हाई बोल रहे हैं, मैंने उल्टा पूछा। अब मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग आना चाहता है 5% में, एक बार हाथ ऊंचा कीजिए। जिसको डबल कामयाबी चाहिए वो दो हाथ ऊंचे कीजिए, और जिसको रेगुलर चाहिए वो क्लैप बजाइए, क्लैप बजाइए, क्लैप। बहुत बढ़िया। तो सवाल ये आता है कि कामयाबी चाहिए सबको, लेकिन मिलती क्यों नहीं है सबको, उसकी वजह क्या है? तो कामयाबी सबको चाहिए लेकिन मिलती नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह निकल कर आई है, लर्न अनलर्न और रीलर्न। इसका मतलब यह होता है एक बार सीखी हुई चीज हमें कई बार भूलनी पड़ती है और कई बार भूलने के बाद दोबारा सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है, स्कूल खत्म हो गई बुक रख दो साइड पे, कॉलेज खत्म हो गई बुक रख दो साइड पे, अब इसकी जरूरत, अब सीखने की जरूरत। लेकिन जब आप कॉलेज के बाहर कॉलेज कंप्लीट करके अपना पहला कदम रखोगे, तब आपकी रियल जिंदगी की शुरुआत होगी और तब आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होगी। क्योंकि वहां पर पढ़ाई के अंदर पहले दिए गए कोर्स या पहले बताई गई चीजें ही आने वाली नहीं है। रियल लाइफ के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो टिपिकल आते हैं और वो कई किताब में लिखे हुए नहीं आते, वो बाउंसर होते हैं। उसको झेलने के लिए आपको रियल प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अंदर आपको उतरना पड़ेगा।
और जब आप उतरोगे वहां पर जाकर आपको पता चलेगा कि ये चीजों को करना क्यों जरूरी है।